तो आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन और मैंने टिकट्स बुक की हैं राजधानी में। राजधानी का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस ब्लॉग के जरिए, तो बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए कि हम क्या क्या करते हैं राजधानी में और क्या क्या राजधानी का एक्सपीरियंस हमारे साथ रहता है। तो देखो खाना पीना और मज़े करो इस ब्लॉग को। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आज एक अपडेट देनी है कि आज हम फिर से एक नई जर्नी के लिए निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं बने रहो, फिर हम आपसे बताते जाएंगे। हमें ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे की ट्रेन है और 2 बजे हैं कि 1 बजे है, अब हमें निकलेंगे आराम से। अभी दोपहर के 1 बजे दोस्तों, 4:30 में हमारी ट्रेन है न्यू दिल्ली से। अब न्यू दिल्ली यहाँ से हम निकलेंगे, न्यू दिल्ली गर्मी बहुत ज़्यादा है और लंबे टाइम के लिए जा रहा है, तो आपको अगर आसपास दिखे तो सब ढाका हुआ है जितने चद्दर वद्दर से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हम लोगों ने सब ढक दिया है और अब हम लोग बस तैयार होके निकल रहे हैं। चलो अब फिर हम आपसे मिलेंगे सीधा स्टेशन पे। अपनी सीट पर चढ़ने के बाद अपना पूरा इंतजाम करके दोस्तों मैं करने लगा आराम, फ्री की मिली हुई न्यूज़पेपर दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, मैंने निकाल ली। उसी बीच मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया, आया नहीं था शायद, मैंने झूठ मूठ कान में लगा लिया दोस्तों, सॉरी, फ्री की नहीं मिली थी, उसके पैसे लगे थे और ना बहुत पैसे दिए थे मैंने, तब जाकर ये न्यूज़पेपर मिली थी। अब राजीव के सारे ड्रामे हो गए, मैं देख रही थी क्या क्या ये कर सकते हैं, सब दिखाना भी ज़रूरी है कि राजधानी में क्या क्या फैसिलिटी है, न्यूज़पेपर है सब कुछ, तो वो दिखा लिए। अब मैं अपने आप को सेट कर रही हूँ फ्रंट कैमरे से जो बहुत गंदा लग रहा, मैंने सोचा इन्हीं को दिखाओ बैक कैमरे से ज़्यादा बेटर लग रहा, ये बिछाया। अब हमारी शाम की ट्रे आती है, सुबह से हम लोग ने कुछ खाया भी नहीं था और हमारा नाश्ता आ ही गया और मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। ट्रेन में बाकी तो नहीं खा रहे थे पर मुझे वेट नहीं हो रहा था, 5 बजे ही आ गया था तो मुझे एक्साइटमेंट भी थी क्या क्या है अंदर। तो मैंने देखा सैंडविच है, कुछ मिक्स वेज मेयोनीज सॉस लगी हुई थी ब्रेड के अंदर, और ये कचौड़ी थी और सोन पापड़ी थी, कुछ मिक्स नमकीन भी थी केचप के साथ, और टी बैग दिया हुआ था, चाय का वेट था और हाथ साफ करने के लिए हर्बल सैनिटाइजर था। दोस्तों अब वेट है मेरी चाय का, पर पहले मैंने सोचा इसको खा लूं। मीनवाइल मेरी चाय भी आती है गर्मा गर्म पानी के साथ, इसमें मैंने डाला पता नहीं मिल्क पाउडर था आई थिंक, मैंने पहली बार ही किया है ट्रेन में, ये मिल्क पाउडर डाला अपनी टी बैग उसमें घुसेड़ी गर्मा गर्म पानी के साथ, और मुझे शुगर मिला था शुगर पाउडर उसको भी मिलाया। उसके बाद मैं बताऊं तो चाय पिया मैंने तो मुझे कुछ पता नहीं चला मैं चाय पी रही हूं कि पानी पी रही हूं, और ये जेन्युइन है। वहां राजीव अपना इंतज़ाम कर रहे हैं चाय का, उनको तो अच्छी लगेगी क्योंकि उन्होंने तो पैसे दिए हैं मेरे को, मैं जेन्युइन बताऊं तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट इवनिंग स्नैक जो आया था वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया था। सिर्फ चाय मुझे पसंद नहीं आई, बाकी मेरा नाश्ते से पेट बिल्कुल भर गया और मैं आराम से, राजीव भी दोनों सो गए। और हाँ एक एक बॉटल भी मिली है, वो राजीव बता रहे हैं 3 बॉटल हो गई, एक बाहर से हमने ली थी, एक एक हमारी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ क्या गुड नाइट करके कि फिर बैठूँ, क्योंकि 6 बजे हुए हैं, पर मैं सोची सो लूँ थकी हुई हूँ। अंधेरा हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो शाम का टाइम हो गया है, सो के हम दोनों उठ चुके हैं और थोड़ी देर के बाद हमारा आता है डिनर। डिनर आ गया है पर अब मैं सोच रही हूँ खाऊं कि नहीं खाऊं, एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, खाने से ज़्यादा क्या क्या है अंदर देखने के लिए। तो देखती हूँ क्या है, ड्राई वेज पनीर बटर मसाला आपको दिख रहा होगा, और ये है दाल पिकल दही राइस और रोटी, ये है मेरी थाली राजधानी की डिनर। ठीक है तो अभी मैं एक एक करके ट्राई करूँगी खाऊँगी पीऊँगी, दिख तो अच्छा रहा है, अब खाने में पता चलेगा कि कैसा है।
sound right, boy. मैं बताऊँ तो सब कुछ बढ़िया था। अब आप रेलवे में जैसा खाना एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही था। इसको हम लोग ने पहले ही टिक कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि हम लोग खाना पीना लेके नहीं आए थे, सीधे सामान पैक करके आ गए थे। तो सब ने ऑप्शन होते हैं कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। मैंने तो टिक किया था कि भाई लेना चाहती हूँ मैं। बाकी लोग आप देखो तो सब नहीं ऑर्डर कर रहे थे, कुछ घर से भी लेके आए हुए थे अपना, पर हम तो यहाँ इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छे से पेट भर गया। इसकी पनीर जो थी बहुत ही बढ़िया थी। खाना दोनों ने बहुत इंजॉय किया, जेन्युइन इंजॉय किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे भी थे और खाना बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब हम खाना खाते हैं दोस्तों, अपना मील इंजॉय करते हैं। राजीव भी अपना खा रहे हैं। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, कंबल में घुसी हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है खाने में, बट मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ सोचा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आती है, हम सो चुके थे एक्चुअली खाना खा के, पर आइसक्रीम आ गई है। आइसक्रीम मैडम, तो मेरे उठी गई। अब मैंने कहा पैसे लगे हैं तो ये मैं छोड़ने नहीं वाली आइसक्रीम। राजीव भी उठे और आइसक्रीम खाए, और हमारी होती है यहाँ से ट्रेन की जर्नी ख़त्म। जैसे आप देख रहे हैं मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और उनमें क्या है? प्रसाद दे लो। ये डेली रूटीन है हमारा, ये मम्मी के हाथ से प्रसाद लेना। और मम्मी बोलो, सब्सक्राइब करना सबको। बोलो ना घंटा के लिए। आई होती तुम ही बोलो, मेरे से तो लोग करते नहीं है यार। अब क्या, चलो उधर चलते हैं। पापा खड़े हैं, पापा को निकलने दो, क्योंकि पापा को उधर भी इंटरव्यू। माने न लगे क्या करा।